मेरे देश के किसान के खेत में एक ये फल पाया जाता है जिसका नाम है इंद्रायण। पंजाब में कहते हैं कोड़ तुम्बा, और अच्छी तरह से ये एक कवच नाशक है। मैंने पहले आपको बताया था, किसी गाय भैंस और बकरी ऊंट और कोई भी पशु हो, ये इंद्रायण क्या करता है, कवच को और अफारे को खोल देता है। इससे पहले मैंने आपको बताया था, अदरक का रस गाय और भैंस के कब्ज हुई हो तो उसकी आंख के अंदर एक बूंद डाल दो। चाहे पेशाब का बंदा हो और चाहे गोबर का बंदा हो, तो पशुओं की कब्ज खुल जाती है। परंतु घोड़ा और गधा की कब्ज जल्दी से नहीं खुलती। ये इंद्रायण का फल है, इसको काट करके या जो पशु पे अपना विश्वास हो दूध में डाल के पी लेगा, तो उसको दूध में उबाल के दे दो, और जो पशु नहीं पिएगा अच्छी तरह से इसके अंदर त्रिफला, त्रिकुटा, मेथी, अजवाइन, इनकी मात्रा कितनी है, ये 20-20 ग्राम की है, अच्छी तरह से पशु को दे दें तो उसका अफारा भी टूट जाएगा और बंदा भी टूट जाएगा। पेशाब का बंदा हो या गोबर का बंदा हो, और इतना आयुर्वेद के अंदर हम बताते हैं, ये दस्तावर है, तो इसको हम क्या करते हैं, अच्छी तरह से इसका गुद्दा हम निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद इसमें ये कटोरी सी बच जाएगी, दूध डालकर इसको भर के गर्म कर लेते हैं और रोगी को पिला दिया जाता है, और पिलाने के बाद उसकी कब्ज खुल जाती है और आदमी स्वस्थ हो जाता है। दूसरा क्या बताना चाहता हूँ, मेरा देश का किसान सुबह से लेकर शाम तक खेत में काम करता है, कभी तो बेचारे के हाथ या पांव में बड़ी बड़ी सूल लग जाती हैं, कांटा लग जाता है, बारीक कांटा लग जाता है, लंबा कांटा लग जाता है। इसका गुद्दा हम लेते हैं और उसको अच्छी तरह से निकाल के जहां पर कांटा लगा है, तो मैं अपने किसान को समझाना चाहता हूं, कांटा हो, सीसा हो या छोटी कोई कील हो या चाहे रिवॉल्वर की गोली भी क्यों ना हो, उसको ये अच्छी तरह से निकाल देता है। आपने करना क्या होगा, इसके गुद्दे को लगा दे, और लगाने के बाद 15 से 20 मिनट तक या आध घंटा लगा दे, अच्छी तरह से ये कांटे को, शीशे को या कोई सूल को, हमारे भाषा में कहते हैं दासण को, उसके ऊपर लगाने के बाद अच्छी तरह से कांटा निकल जाता है, और कांटा निकलने के बाद आदमी हंसने लग जाता है। ये वैसे दस्तावर है, और कोई कांटा लगा हुआ हो, मेरे दर्शक सुन रहे हो, मेरा देश का किसान अपने खेत में काम करता है, सुबह से शाम तक काम करता है, उसके हाथ पांव में कोई शीशा लग गया हो या कांटा लग गया हो, कोई कील लग गई हो या अन्य कोई चीज चमड़ी के अंदर चली गई हो, तो इसको ये निकाल देता है। ऐसा तोहफा है जिसको देखकर आप क्या हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, और ये कांटा निकाल देता है। ये भी एक इंद्रायण
ऐसा काम करता है जिसके बारे में आपने सोचा ही ना हो। पशुओं के अंदर अफारा हो या आदमी की कब्ज हो, कोई कांटा अंदर चला गया हो, शीशे का बारीक टुकड़ा चला गया हो या कोई दासड़ चली गई हो या कोई लोहे की कील चली गई हो, बिना छेड़े ही डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। मास्टर ओम प्रकाश वैद्य ज्ञान तारा का कहना है, इसका गुद्दा बांध दो और जो फोड़ा जिसको आप पकाना चाहते हो वो भी अच्छी तरह से ये पका देता है। इसका काम है शरीर से गंदगी को बाहर निकालना। जैसे कोई फोड़ा है और वो अच्छी तरह से पक नहीं रहा है तो उसके ऊपर भी इसका गुद्दा या इसको आप अच्छी तरह से बांध देंगे, सारा गंद निकाल देगा। बहुत अच्छा कारगर है और इसका आसव हम बनाते हैं। आसव को पिलाने से बदबूदार होता है परंतु पेट के आंत छोटी बड़ी को ये ठीक करके कब्ज को खोल देता है। आदमी को भूख लगती है और आदमी खुश रहता है। प्रणाम।